मुस्कुराहट जब आप पैदा हुए तो सबसे ज्यादा मुस्कुराहट आपके फादर मदर पे थी ना, घर में चलो एक अच्छे संतान पैदा हुई। और जब आपकी संतान पैदा हुई या आपका जन्मदिन था या जब फर्स्ट आए थे क्लास के अंदर, आपको कुछ अच्छे अनुभव मिले, आपकी मुस्कुराहट सबसे ज्यादा कीमती थी। तो मुस्कुराइए। देखिए मुस्कुराने का कोई मोल नहीं होता, ठीक है, हमेशा खुश रहना चाहिए। अब वो जाते हैं कि जी घर वाले माड़ी कर दे, मैं खुश क्यों हो सकता हूँ, क्यों जी लगता है कि मैं लगता है फिर कहते जी मैं तो बहुत मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ पर मेरी मुस्कुराहट छीन लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, मुस्कुराना आपके हाथ में है। आपको पता है जब आप किसी जैसे कस्टमर केयर पे जब कॉल करते हो, आप उसको कॉल करो कि हाँ जी मेरी सिम खराब होगी, वो क्या अगला क्या बोलता है, हाँ जी सर मैं क्या आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, बोलते हैं ना तो प्यार से बोलते हैं, कह जी ये कि मतलब मेरे 10 रुपये बैलेंस कट लेंगे, वो आप खूब चिल्ला के बोलते हो। बोलते कोई बात नहीं सर, मैं आपको 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ, कितने प्यार से बात करते हैं, करते हैं ना। फिर आगे से फिर उसको गाड़ियाँ वाले नहीं देते हो, वो कहता सर कोई बात नहीं सर मैं देख लेता हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा संतुष्ट हो, ये मैं आपको संतुष्ट करता हूँ सर, प्लीज़ 1 मिनट दीजिए मुझे। क्या सर लाइन पर रहिए, क्या उनको गुस्सा नहीं आता होगा, पर वो क्या करते हैं अपना कर्तव्य निभाते हैं। और हमेशा वो कहते हैं जब तक मेरा प्रोफेशन ऐसा है, जब तक मैं मुस्कुराऊंगा नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और थोड़े टाइम बाद हम करते हैं कि भाई साहब फिर अपने नॉर्मल हो जाते हैं ना, होते ना, क्योंकि अगला मुस्कुरा रहा होता है, अगला प्यार से बात कर रहा होता है, तो हम भी अपने प्यार पे आ जाते हैं। देखिए कभी भी जब सड़क में निकलो, रिश्तेदारों में निकलो, कहीं भी निकलो ना, कहते अगर दिमाग में बर्फ है तो जो बात उन्होंने कही है वो वहीं जम जाएगी, वहीं शांत हो जाएगा। अगर दिमाग का पानी है तो कोई बात आपको आग का गोला फेंक दिया तो बुझ जाएगी। अगर दिमाग में घासलेट या पेट्रोल डाल रखा है और अगले ने आग लगा दी तो ब्लास्ट हो जाएगा। सही बात। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने दिमाग में बर्फ लेके बैठे हो, पानी लेके बैठे हो या पेट्रोल लेके बैठे हो। अगले चला के बात कर रहा है और आपने आपके तेल है जी आपके अंदर वो डाल रखा घासलेट वगैरह पेट्रोल, तो ब्लास्ट हो जाएगा। वो एक वो 2 मारेगा आप 4 मारोगे, वो 8 मारेगा आप 16 मारने के चक्कर में रहोगे, होता ना। तो इसलिए बड़ा जरूरी होता है कि हमेशा मुस्कुराते रहिए। देखिए हर इंसान की एक अलग कहानी होती है, हर इंसान अपने अपने कहानी को लिखता है, इतिहास को रचता है, ठीक है। अब वही चीज़ें को आपको देखो महात्मा गांधी के अपने सबने बात सुनी होगी कि भी उसको अंग्रेजों ने ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया था। उसने कहा कि जब मेरे पास टिकट है तो मुझे बाहर कैसे फेंका, कहता नहीं तो डिब्बे में बैठे लायक नहीं है तुझे बाहर फेंक, उसको बाहर फेंक दिया। तो लड़कों से समझ सकता था, वो डांग लेकर लड़ लेता, लड़ तो था ही उसके पास है ना, उसी समय लड़ सकता था, वो भिड़ सकता था। उसने क्या कहा कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं तुम्हें देश से बाहर फेंक दूंगा। कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने, और उन्होंने क्या किया उस काम को करना शुरू किया, वो काम को करना शुरू किया और आज देश में क्रांति होगी। और मैं कहता हूँ आपको या हमें भी को डब्बे से बाहर फेंक दे ऐसे चला के, क्या करोगे, लड़ पड़ेंगे। उसी समय हाथापाई हो जाती है, सबर नहीं होता। पर उसने दिमाग में क्या रखा, सबर रखा, पानी सबर। उसने पानी के नहीं कोई बात नहीं, ठीक है करेंगे सर। उसने कहा कि अगर मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है तो मेरे देश में हजारों लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। तो कहते ना आपको जिंदगी में प्रेरणा बनना पड़ेगा।